वो कैब में जीरो और आरसी में हीरो, क्या ये चीज पॉसिबल है कि मुझे वो कैब इतनी अच्छी ना आती हो और मेरे आरसी फिर भी सारे सही हो जाएं और मुझे काफी अच्छा स्कोर मिले कैट के वर्बल सेक्शन में? यस दैट इज करेक्ट, डायरेक्टली कैट वो कैब नहीं पूछता बट इनहेरेंटली इंटरनली कैट वो कैब भी पूछता है। वॉट इफ आपको डिस्टोपिया का मतलब ही नहीं पता और पूरा पैसेज डिस्टोपिया के ऊपर है, यूटोपिया के ऊपर है, एंड यू डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ यूटोपिया? आप हवा में ही तीर मारोगे? जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे नार्सिसिज्म के ऊपर टॉपिक है और आपको नार्सिसिज्म का मतलब भी नहीं पता। ऐसे बहुत सारे इजम्स हैं जिसके ऊपर कैट पैसेज देता है। ऐसी बहुत सारी लाइनें होती हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसा वर्ड आता है कि दिस वॉज अ शैम, शैम का मतलब ही नहीं पता तो मैं क्या आंसर करूंगा और क्या कॉम्प्रिहेंड करूंगा? सो डायरेक्टली नो बट इनहेरेंटली यस, कैट इनडायरेक्टली वो क्या पूछता है, और अगर आपकी वो क्या अच्छी नहीं है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट कॉम्प्रिहेंडिंग, एंड राइट कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सही समझ आना चाहिए, ये नहीं कि आपने अर्थ का अनर्थ कर लिया और आपको लग रहा है कि सही हो रहे हैं मेरे आंसर्स, कुछ केसेस में तुक्के भी लग रहे हैं। सो आपको इनडायरेक्टली वोकैब को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि जब भी आप कोई आरसी, कोई आर्टिकल, कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो, उसमें जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं उनको या तो किसी डायरी या रजिस्टर में लिखिए, अंडरलाइन करिए। अगर आप 15 दिन के लिए सपोज करिए किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ते हो, उसमें जो जो नए नए वर्ड्स आते हैं उनको अंडरलाइन करके आप अपनी डायरी या रजिस्टर में लिखते हो, आप 15-20 दिन के बाद देखोगे वो सारे वर्ड्स ना फिर से रिपीट होने शुरू हो गए हैं, बिकॉज नए वर्ड अब दिन के दो तीन भी नहीं आएंगे, शुरू में थोड़े ज्यादा आएंगे लेकिन बाद में ज्यादा नहीं आएंगे। बट यू एक्चुअली नीड टू मेक श्योर कि आपकी वोकैब डिसेंट इनफ है। वो डिसेंट इनफ ऐसी नहीं होती है जैसे हम सोचते हैं, इट इज कंपैरेटिवली बेटर, क्योंकि कोई भी हमारे लिए इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है यार, हमारे लिए हिंदी एक नॉर्मल लैंग्वेज है, हालांकि हमको ढंग से हिंदी भी नहीं आती है, बट इंग्लिश की वोकैब का जो लेवल आरसीज में है, जो पैसेजेस में है, वो हमें नहीं आता है ढंग से, उसको बिल्ड करना पड़ता है। पहले क्या होता था, कैट में डायरेक्टली वोकैब काफी पूछी जाती थी तो फ्लैश कार्ड लेके लोग काफी वोकैब वगैरह का रट्टा मारते थे, उनकी वोकैब अच्छी हो जाती थी। अब वो डायरेक्टली पूछता नहीं है तो पीपल डोंट बॉदर, बट यू शुड फोकस ऑन योर वोकैब। आप रोज के कम से कम 15-20 मिनट वोकैब के लिए निकालिए, 15 मिनट से निकालिए। रोज के 10 वर्ड भी अगर आप रिवाइज करोगे तो भी आपको 2-3 महीने में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि 15-20 दिन के बाद आपको दिखेगा कि वो काफी सारे वर्ड्स तो फिर से रिपीट ही हो रहे हैं। बट कोई ये बोले कि बिना वोकैब के मैं वर्बल सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। या तो उस बंदे ने काफी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रीड कर करके चीजों को याद कर लिया है, तो उसके वर्ड्स की वोकैब अच्छी हो सकती है, बट दीज आर जस्ट एक्सेप्शंस। आपके मेरे जैसे नॉर्मल बंदे हैं उनको वो कैब पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रोज के 15-20 मिनट लगाने पड़ेंगे। आई हैव टू गो थ्रू लाइक 15-20 वर्ड्स एवरी डे, ताकि मुझे महीने 2 महीने बाद थोड़ी मेरे वो कैब ठीक हो सके और मुझे चीजें समझ तो आए। सारी कहानी समझ की है, कॉम्प्रिहेंशन की है। अगर क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है तो आंसर क्या करूंगा? क्वेश्चन समझ आ गया, ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहे, देन व्हाट वुड आई डू विद दैट? सो यू कैन नॉट बी अ हीरो विदाउट हैविंग अ डिसेंट वोकैब। इसके लिए एक काम तो ये बताया कि आप वर्ड्स को लिखिए, जितने भी आते हैं 10-15 वर्ड्स को डेली का रिवाइज करिए। दूसरा, आप नॉर्मन ल्यूइस जो काफी फेमस बुक है, जो काफी लोग वोकैब के लिए पढ़ते हैं, उसमें रूट वर्ड से चीजें दी हुई होती है, एक्सप्लेन की हुई होती है, शायद 47 अराउंड उसके सेशन है, और आप उसका रोज का एक सेशन लेके बैठो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके पीछे की जो एक्सरसाइज है वो काफी अच्छी है, तो यू कैन ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। वो काफी हेल्प करती है वो क्या आपको बिल्ड करने में, और काफी स्नैप एंड मैट वगैरह में उसमें से काफी डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर वो क्या आप बिल्डिंग। सो यू शुड वर्क ऑन दिस पार्ट, बिकॉज विदाउट दिस यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव योर वर्बल सेक्शन।